ये इसका पैनल है, सेंसर लगा, ये सेंसर है, इसमें फोटो सेंसर। अगर पेपर टूटता है या मशीन रुकती है, ये कोई भी दिक्कत आएगी तो ये पूरी मशीन को स्टॉप कर देगी। ओके, मीन काफी इफेक्टिव है ये सेंसर। हाँ, उसके बाद में हम आते हैं इधर ड्रम की साइड में। ये इसका अंदर का पोर्शन है। एक सेंसर इसमें ये लगा है, काउंटिंग सेंसर, जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रहा। इससे क्या होगा कि इससे गिनतियां चलती है मशीन, मतलब टिश्यू की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टार्टअप बड़ी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मैं एक बिजनेस आइडिया फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन। और ये मशीन जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वो मशीन जो टिश्यू पेपर मेकिंग करता है, टिश्यू पेपर बनाता है। तो मैं आप लोगों को इस मशीन के बारे में बताऊंगा, इसकी थोड़ी जानकारी दूंगा। जो कि ये है मिस्टर सलमान, आपसे आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप हमारे व्यूवर्स को इस मशीन के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये टिश्यू पेपर मशीन है जो कि 30 के साइज की मशीन है। वैसे तो अलग अलग साइज के टिश्यू आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है 30x30। 20 से लेकर 40 तक का जो साइज होता है, 20x20 सेंटीमीटर से लेकर 40x40, ये टिश्यू का साइज होता है, लेकिन 30x30 उसमें स्टैंडर्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये टिश्यू पेपर जो कार मशीन बना रही है अभी 30x30 का है, जैसे कि आप हमें सर बता रहे हैं। और ये मशीन का पैनल, पूरे मशीन का पैनल, जहाँ से ये मशीन स्टार्ट होती है और बंद की जाती है। तो ये फिलहाल तो अभी मशीन चल रही है, हम आपको बंद और चालू करके भी दिखा देंगे। और मैं आप लोग आपको लेके चलता हूँ स्टार्टिंग से, इसका प्रोसीजर दिखाने कि ये मशीन कहाँ से पेपर लगाया जाता है, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं, ये प्लेन पेपर इसमें लगाया जाता है, जो कि पूरा बंडल आता है, रॉ मटेरियल भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं ये घूमता हुआ यहाँ से मशीन के अंदर जा रहा है। ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि यहाँ पर रोल हो गया, स्टेशन इसका प्रिंटिंग स्टेशन है, यहाँ पे प्रिंट होता है। अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हुआ इसके अंदर तो आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंगल प्रिंटिंग है। ओके, सिंगल प्रिंटिंग मीन कोई भी कलर हो वो उसमें प्रिंट कर सकते हैं। ये इसकी टंकी है, यहाँ आप कलर भर सकते हैं। अगर आपको उसे रिमूव करना है, एग्जिट करना है, तो ये नीचे इसमें लगाया गया है पूरा एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आपका बाहर निकल। ओके ओके, ये लोगो जो भी आपको छापना है, जो भी आपने प्रिंट करना होगा आपको उसका, जैसे कोई अपने कंपनी का नाम, होटल का नाम प्रिंट करना चाहे, बिल्कुल वो कहीं भी किसी भी कोने पर लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, कहीं से कहीं प्रिंट भी लगा ले, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ से जब ये आगे प्रिंट होने के बाद में आएगा एम्बोजिंग में। एम्बोजिंग कहते हैं इसको, इसको एम्बोजिंग कहते हैं, जो आप दाने दाने देखते हैं टिश्यू। हाँ जी बिल्कुल सर, उसको एम्बोजिंग कहा जाता है। जैसे कि आप भी देख रहे हैं इसको, अभी ये इसे डायमंड डिजाइन कहा जाता है जो इसमें इस वक्त चल रहा है। ओके, ये इसका है, इसको एडजस्ट वगैरह करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए पेपर को, ये तिकोना होता है जिससे देख सकते हैं, तिकोना कार का है ये। हाँ, तिकोना इसलिए एसएस का बना होता है पूरा टोटली। इसमें क्या होता है कि नीचे एक मैग्नेट कॉइल लगी होती है, उससे क्या होगा कि अगर सपोज अगर आपको 100 का टिश्यू बनाना है, 100 टिश्यू का पैकेट बनाना है, तो ये 100 पे ही ये ट्रिप मारेगा। ओके, यानी कि ये ऊपर को ही उछाल लेगा, जिससे कि आगे जो टिश्यू निकलेगा वो एक ऊपर की साइड में आएगा, ऊपर साइड। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये 100 हो चुका है। तो आप 10 से लेकर 100-500 जितना भी आपको बनाना है उतना आपका बन सकता है, कोई इशू नहीं। ये इसका पैनल है, सेंसर लगा, ये सेंसर है, इसमें फोटो सेंसर। अगर पेपर टूटता है या मशीन रुकती है, ये कोई भी दिक्कत आएगी तो ये पूरी मशीन को स्टॉप कर देगी। ओके, मीन काफी इफेक्टिव है ये सेंसर। हाँ, उसके बाद में हम आते हैं इधर ड्रम की साइड में। ये इसका अंदर का पोर्शन है। एक सेंसर इसमें ये लगा है, काउंटिंग सेंसर, जो भी देख रहे हैं आप, ठीक है, ये रहा। इससे क्या होगा कि इससे गिनतियां चलती है मशीन, मतलब टिश्यू की, ये काउंटिंग करता है उसकी कि वो कितने हो चुके हैं। 2.5 लाख टिश्यू ही 8 घंटे में बना देते हैं। 2.5 लाख टिश्यू 8 घंटे में, बस आपको पैकिंग करने की जरूरत होगी। जितना अच्छा आप पैकिंग कर ले जाएंगे उतना छाप का टिश्यू, ये देखिए तैयार हो गया। और यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, जैसे ही ये लाइन यहाँ पर आएगी उसके बाद ये काटना तैयार कर देगा। जितना भी आपने साइज लिया है उस हिसाब से आप उठाइए और पैक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ टिश्यू काट कर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं आसानी से, काफी अच्छा इनका शेप है। तो दोस्तों, ये है पूरा A1 हाईटेक का मशीन, देख सकते हैं कितनी लंबी मशीन। मैं आपको एक बार दोबारा पूरी मशीन दिखा देता हूँ।
ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से बनते हुए एक एक प्रोसेस करते हुए ये आगे लेके जाएगी, फाइनल जाके लास्ट में आपको फाइनल टचअप देगी। इसका पैनल आपको ये स्टार्ट करने के लिए आपको ये सारी फैसिलिटी सब कुछ डेमो प्रोवाइड करा के देंगे। अगर आप यहाँ से मशीन लेते हैं, देख सकते हैं A1 हाईटेक इनका स्टीकर लगा हुआ है मशीन के ऊपर। एक मशीन हम और आपको बना दिखाते हैं और इस मशीन के कारीगर से भी हम आपको मिलाने जा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे ये चालू कैसे होता है और बंद कैसे होता है। बेसिक जानकारी देंगे जैसे कि ये किस सिंगल फेज पे कितनी फेज पे चल जाएगा, इसके लिए अलग मीटर लगाना पड़ेगा, या कितने घंटे में कितना माल ये हमें तैयार करके देगा, और इसे चालू करके भी दिखाएंगे बंद करके। इसकी सारी जानकारी मशीन के हमें सरमान सर पूरी देंगे, तो सर हमें इसके बारे में जानकारी देंगे। ये इसका पैनल है जो कि फिलहाल अभी 3 फेज पर बना हुआ है। अगर कस्टमर की डिमांड है कि वो इसको घर की बिजली पर चलाए यानी कि सिंगल फेज पर, तो ये सिंगल फेज पर भी रन हो जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कमर्शियल घर का मीटर होता है उस पर भी रन हो जाएगी, और अगर वो चाहता है कि इसको 3 फेज कॉमर्शियल में यूज़ करे तो भी ये हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी इसमें जो है फिलहाल में 5 HP की मोटर लगी है, 5 HP की मोटर है इसमें। एक अंदर इसमें जो इसकी इनर मोटर है जो कि पूरी मशीन को ऑपरेट कर रही है वो 3 HP की है। एक आगे जो कि स्लाइसर है इस मशीन का पेपर को आगे काटने के लिए, उसके लिए 2 HP की मोटर लगती है अलग से, तो यानी कि 2 मोटर इसमें लगती है, मतलब 5 HP लगी। बिल्कुल, हमें ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि इसका रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा उन्हें आसानी से। इसका रॉ मटेरियल पेपर मिल से मिलता है, और इंडिया के अंदर काफ़ी सारी पेपर मिल है, और यहाँ तक कि एक पेपर मिल तो पूरे वर्ल्ड में अभी फिलहाल में दूसरे नंबर पर चली जो कि इंडिया की है, सेंचुरी पेपर मिल। अभी फिलहाल में इसमें बागेश्वरी पेपर मिल का जो पेपर है, हार्ड पेपर है ये, सिंगल प्लाई 15 GS ये इसके अंदर इस वक्त रन होगा। पेपर आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको इजीली हर जगह पेपर अवेलेबल है। तो जहाँ से हमारे व्यूअर्स मशीन अवेलेबल कर रहा है वहीं से रॉ मटेरियल, वहाँ से रॉ मटेरियल भी मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आप ये मशीन खरीदेंगे वहीं से आपको ये रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। और ये मशीन की मशीन का प्राइस हमारे व्यूअर्स को बता दें, मशीन कितने तक की पड़ जाएगी? ये मशीन हमारे यहाँ पर जो स्टार्ट होती है 3.5 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 3.5 लाख रुपये से स्टार्ट होकर के 60 लाख रुपये तक की मशीनें हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 3 लाख से लेकर 3.5 लाख से लेकर 7 लाख तक की मशीनें हैं। आप अपने बजट के हिसाब से अपना काम खुद का खोल सकते हैं, जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना ज़्यादा आप मशीन लगा सकते हैं। फिलहाल में जो मशीन है ये सिंगल कलर सिंगल एम्बोसिंग है, इसकी कीमत 4.5 लाख रुपये प्लस GST ट्रांसपोर्ट वगैरह कस्टमर को देना होता है। तो ये मशीन अगर मैं बात करूं कि इसमें इनकम कितनी हो जाएगी, तो लगभग आपको 80,000 रुपये से लेकर के 1.25 लाख रुपये मंथली आप इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपये महीना आप आसानी से कमा सकते हैं सिर्फ 4.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करके। इसमें आप प्रिंटिंग भी मशीन प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी मेक कर सकते हैं, और नॉर्मल जैसे कि अभी फिलहाल बन रहा है आप देख सकते हैं वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए एरिया कितना चाहिए होगा फिर इस मशीन को लगाने के लिए आप बता सकते हैं? इसके लिए कम से कम आपको 50 गज का तो स्पेस कम से कम चाहिए, 50 गज का फ्लोर मान लीजिए आपको इंजन चाहिए मशीन को लगाने के लिए। और इसको ऑपरेट करने के लिए कौन कर सकते हैं? इसको ऑपरेट करने के लिए 2 बंदे चाहिए, तो 2 पर्सन की नीड है आपको, एक ऑपरेटर और एक हेल्पर। ऑपरेटर इस पूरी मशीन का रख रखाव उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होगी, और आगे टिश्यू को पैक करने की जिम्मेदारी आपके ऑपरेटर और हेल्पर दोनों। तो 2 बंदों की आपको नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप इतनी बड़ी मशीन सिर्फ 2 आदमी मिलके आसानी से चला सकते हैं, आपकी ज़्यादा लेबर की कॉस्ट भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आके और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ, आपके नहीं तो आपके किसी कलीग के फ्रेंड के काम ज़रूर आएगी।